हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ऐसा एक मिनी पाम्प, जो पाम्प आपको बहुत चीप रेट में बहुत कम खर्च करके आप घर पे ही बना सकते हैं। दोस्तों, ये पाम्प की वीडियो अपलोड करने के एक हफ्ते बाद मैं और एक शानदार वीडियो बनाने वाला हूँ और उसमें मैं इसी पाम्प का यूज करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखना, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, अगर आप वो शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों, आपको ऐसा एक पाइप ले लेना है। अब ऐसे एक पेपर को उसके ऊपर रोल कर देना है, क्योंकि हमें राउंड शेप में इस पाइप को काटना है। रोल करने के बाद दोस्तों, इसको देखिए मार्कर की मदद से ऐसे मार्क कर ले लेंगे। करने के बाद दोस्तों, पेपर को नीचे की तरफ लाएंगे। लाने के बाद दोस्तों, आप टेप में इधर में 6 सेंटीमीटर का माप लेंगे और इधर में हम अच्छे से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों, फिर से उस पेपर से इधर में राउंड शेप में इधर में मार्क कर लेंगे और इसको हमें काटना है। काटने के लिए मैं हिक्सा ब्लेड का यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी और चीज़ से भी इसको काट सकते हैं। तो इसको काटने के बाद दोस्तों, आपको ऐसे रेत पेपर लेना है और इसके ऊपर ऐसे घिसना है, जिससे अच्छे से फिनिशिंग बन जाए। तो ये कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा। अब आपको स्केल की मदद से ऐसे माप करना है। देखिए, मैं इधर में दिखा दो, ये 4.2 सेंटीमीटर का पाइप है चौड़ाई में। तो इधर में आपको ऐसे एक बकेट प्लास्टिक का जो होता है पतला साइज का है, आपको लेना है। लेने के बाद दोस्तों, इसको हमें इधर में काटना है राउंड शेप में। तो देखिए, इधर में हमारा 4.2 सेंटीमीटर का जो पाइप माप हुआ था, तो हमें इसका हाफ मतलब 2.1 सेंटीमीटर का मार्क लेना है। लेने के बाद दोस्तों, इधर में देखिए ऐसे अच्छे से इधर में एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस प्लास्टिक के ऊपर। इसको ड्रॉ करने के बाद दोस्तों, इससे थोड़ा सा छोटा इसको मार्क करेंगे और फिर से और एक सर्कल इधर में ड्रॉ कर लेंगे। तो ड्रॉ करने के बाद दोस्तों, ये हमें दोनों सर्कल मिल जाएगा। अब आपको काटना है, आप कैंची की मदद से भी इसको काट सकते हैं या किसी और चीज़ से भी इसको काट सकते हैं। तो हमें ऐसे दोनों सर्कल मिलेगा, देखिए एक छोटा सा एक बड़ा सा, मतलब थोड़ा सा छोटा। तो दोस्तों, ऐसे दोनों को लेने के बाद आपको ऐसे एक मोटर लेना है। ये मोटर आपको DVD प्लेयर में अच्छे से मिल जाएगा। देखिए, ऐसे जो DVD प्लेयर होता है उसके अंदर एक जो CD वाला ऑप्शन होता है उधर में ये मोटर मिल जाएगा। अब इससे भी बड़ा मोटर यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसका प्रेशर और भी ज़्यादा बनेगा। अब दोस्तों, इधर में जो बड़ा वाला जो सर्कल था उसको लेंगे और ये जो मोटर के जो इधर में जो माप है, इसके माप से इधर में एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं कंपास का यूज़ कर रहा हूँ। तो इधर में सर्कल ड्रॉ करने के बाद इधर में हमें छेद करना है, तो मैं छुरी की मदद से इसको छेद कर दे रहा हूँ। तो करने के बाद दोस्तों, ये जो हमारा मिल जाएगा सर्कल, इसको हम फिर से इसके ऊपर रखेंगे मटर के अंदर। तो एकदम फिट होने के बाद आपको फेविक्विक से इसको चिपकाना है। तो अच्छे से फेविक्विक देना है, जिससे ये वाटरप्रूफ बन जाए, वरना वाटर इसमें घुस सकता है। अब दोस्तों, इधर में एक बूंद आपको फेविक्विक देना है और नाइफ की मदद से इसको अच्छे से इसके अंदर जो साइड में आपको फेविक्विक देना है। इसका जो शार्प है इसके अंदर फेविक्विक नहीं जाना चाहिए, जिससे आपका जो ये मोटर है बंद हो सकता है। अब दोस्तों, इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए इधर में हम ग्लू गन से ग्लू दे दिया है। अब छोटा वाला जो है उसके माप में इधर में एक छेद करेंगे। करने के बाद दोस्तों, इसको इसके अंदर देखिए अच्छे से फिट हो रहा है। अब दोस्तों, इधर में आपको ऐसे एक पेन लेना है, पेन के इधर में काट लेना है, मैं छुरी की मदद से काट ले रहा हूँ। अब इसको इधर में ऐसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद दोस्तों, फेविक्विक से आपको इसको चिपका देना है। तो दोस्तों, चिपकाने के बाद इसको देखिए आपको ऐसे एक ढक्कन लेना है या कोई पाइप ले सकते हैं। अब इधर में 1/2 इंची का आपको इधर में मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद दोस्तों, इसको देखिए पूरा का पूरा जो है अच्छे से इसको घुमा घुमा कर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों, इसको हम अच्छे से काट लेंगे। तो देखिए, काटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब दोस्तों, ये जो हमारा बनाया था उसमें देखिए ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों लाइन। तो इसको बनने के बाद दोस्तों, इधर में देखिए इसको एक साइड काटेंगे। काटने के बाद दोस्तों, इसको इसके जो हमने ड्रॉ किया है उसके देखिए ऐसे करके रखेंगे, इसके ऊपर ऐसे करके रखेंगे और जो हमें मार्क मिलेगा उसको मार्कर के मदद से मार्क कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों, इसको काट लेंगे। तो इसको काटने के हमें 4 पीस हमें चाहिए, तो हमने 4 पीस काट लिए हैं। अब दोस्तों, इसको चिपकाना है। तो चिपकाने के पहले इसे रेत पेपर से इसको घिस लेना है, जिससे अच्छे से चिपक सके। अब दोस्तों, एक एक करके लगाएंगे। लगाने के लिए दोस्तों, ऐसे करके एक हम पकड़ लेंगे चिमटी की मदद से और इधर में देखिए फेविक्विक अच्छे से दे देंगे। तो मैंने इसलिए सीनिस का जो सुई होता है उसको लगाया अच्छे से फेविक्विक इसके अंदर देने के लिए। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो एक एक करके हमें चारों को लगाना है और अच्छे से फिक्स करके लगाना है, जिससे अच्छे से काम कर सके। तो दोस्तों, हमने चारों पीस लगा लिए हैं। अब दोस्तों, इधर में आपको देखिए ऐसे पाउडर लेना है और अच्छे से इस साइड में देना है जिधर में हमने फेविक्विक दिया है। ये बहुत सख्त बनाने के लिए इसको हमने दिया है। तो इधर में फिर से आप फेविक्विक दे सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं कुछ ऐसा हमारा मिल जाएगा। अब दोस्तों, फिर से मोटर लेंगे और इधर में थोड़ा सा ग्रीस लेंगे, जिससे वाटरप्रूफ बन जाए और शाफ्ट के बीच में इसको दे देंगे। देखिए दोस्तों, इसको ऐसे घुसा लेंगे।
घुसने के बाद दोस्तों देखिए ये अच्छे से काम कर रहा है, तो ये जो इधर में जो है इधर में फेविकोल दे देंगे जिससे चिपक जाए। अब दोस्तों जो हमने पाइप काटा था उसको लेंगे, लेने के बाद दोस्तों ऐसे जो पेन की ढक्कन होता है इसको लेंगे और इस साइड को काट लेंगे। काटने के बाद दोस्तों ये कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा। अब इसको ऐसे पकड़ेंगे और मार्कर की मदद से इधर में मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों ये जो हमें मार्क मिलेगा इससे हम काट लेंगे। तो काटने के बाद दोस्तों इधर में देखिए ऐसे आपको चिपकाना है, तो पहले इधर में हम एक होल करेंगे, तो ऐसे देखिए इस जगह में होल करना है ऐसे करके। तो मैं देखिए छुरी की मदद से इधर में होल कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा जो होल है लगभग हो चुका है। तो देखिए दोस्तों हमने होल अच्छे से कर लिया। अब इधर में रेड पेपर से अच्छे से घिस लेंगे जिससे अच्छे से चिपक सके। अब दोस्तों इसको फिर से इधर में पकड़ना है और फेविकोल की मदद से अच्छे से पूरा का पूरा चिपका देना है। तो दोस्तों चिपकाने के बाद एक कुछ हमारा ऐसा मिल जाएगा। अब दोस्तों इधर में आपको एक प्लेन शीट लेना है पीवीसी पाइप का, आपको हीट करके प्लेन शीट बना लेना है और इसके माप से इधर में एक मार्क कर लेना है। तो फिर से और एक करना है क्योंकि हमें दोनों सर्कल चाहिए, तो अच्छे से हम मार्क कर लेंगे। तो जो दोनों सर्कल हमें मिल जाएगा इसको हमें काटना है। तो काटने के बाद दोस्तों एक कुछ हमारा ऐसा मिल जाएगा। अब दोस्तों इधर में देखिए इसको जो हमने मोटर में शाफ्ट लगाया था इसको इसके अंदर घुसाएंगे अच्छे से। घुसाने के बाद दोस्तों इसको सावधानी के मदद से इसको जो फेविकोल देंगे, वरना ये जो प्रोपेलर है ये फेविकोल से चिपक सकता है और काम भी नहीं करेगा। तो अच्छे से इसको सावधानी से आपको देना है फेविकोल। देने के बाद दोस्तों इधर में देखिए ऐसे दोनों जो हमने सर्कल काटा था इसके एक लेंगे। लेने के बाद दोस्तों ऐसे देखिए मार्क कर लेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों इसका बीच में एक होल करेंगे और साइड में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा होल करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसके अंदर घुस सके और ज़्यादा से ज़्यादा पानी फ्लो कर सके। तो दोस्तों देखिए ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। तो हम इधर में इसको चिपकाएंगे। तो चिपकाने के लिए दोस्तों इधर में हम फेविकोल से चिपकाएंगे। लेकिन दोस्तों मुझे इसमें एक प्रॉब्लम आया था, मैं आपको बाद में शेयर करता हूँ, तो वीडियो को पूरा पूरा देखिए। तो दोस्तों इधर में देखिए इसको छेद करेंगे। छेद करने के बाद दोस्तों इधर में जो हमारा जो तार है उसको निकलना है। तो हमारा छेद लगभग हो चुका है। अब इस तार को इधर से अंदर की तरफ से घुसा लेंगे और इधर में बाहर निकल लेंगे। निकलने के बाद दोस्तों इधर में जो पीछे वाला ढक्कन है इसको चिपकाएंगे, तो फिर भी इससे अच्छे से पूरा का पूरा चिपका देंगे जिससे वाटरप्रूफ बन जाए, वरना अंदर में पानी घुस सकता है। तो इधर में भी फिर जो ग्लू गन से ग्लू दे देंगे जिससे पानी अंदर नहीं घुसेगा। तो इस साइड में भी ग्लू दे देंगे क्योंकि इसको सख्त बनाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ग्लू दे चुके हैं। अब दोस्तों इधर में हमें एक प्रॉब्लम आया था, जो जो छेद हमने किया है इधर से पानी बाहर की तरफ निकल जा रहा है क्योंकि हमने इसको बनाया था क्योंकि ज़्यादा पानी घुसने के लिए। तो इसको बंद करना है। तो बंद करने के ऐसे छोटे छोटे जो पीवीसी पाइप का टुकड़ा है इससे इसको बंद कर लेंगे, क्योंकि इससे अगर चलता है तो आपका जो पानी है बहुत कम निकलेगा बाहर। तो देखिए हमने इसको अच्छे से एकदम बंद कर लिया है। अब दोस्तों ऐसे छोटे छोटे पीवीसी पाइप का टुकड़ा लेंगे और इसको ऐसे रख कर टेबल के ऊपर रख कर ऐसे आपको फेविकोल देना है और इसको इसको रख देना है इससे चिपक जाए। तो इसको चिपकाने के बाद दोस्तों ऐसे छोटा छोटा पीस जो पीवीसी पाइप का इसके ऊपर रखेंगे और इसको चिपका देंगे जिससे बहुत हैवी बन जाएगा, स्टैंड की तरह बन जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों हमने चारों का चारों जो पीस है अच्छे से लगा दिया है, बहुत अच्छा भी दिख रहा है। अब दोस्तों इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो देखिए मैं इधर में एक पानी लिया हूँ और इधर में जो बैटरी लिया हूँ। अब दोस्तों इधर में देखिए 12 वोल्ट के बैटरी से मैं इसमें सप्लाई दे रहा हूँ जिससे ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा। देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से पानी निकल रहा है। अब दोस्तों अगर आप इससे भी बड़ा मोटर इसमें यूज़ करते हैं तो इससे भी ज़्यादा आपको पानी बाहर निकलेगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप इसी में ही अगर बड़ा मोटर लगाते हैं तो बड़ा मोटर से ज़्यादा पानी निकलेगा। तो देखिए दोस्तों ये भी ख़राब नहीं काम कर रहा है, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों ये जो मिनी पाम्प है इसका वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर बहुत अच्छा लगा तो दोस्तों का शेयर करना जिससे वो भी ये पाम्प बनाना जान सके या सीख सके। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।